हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नया टॉपिक लेकर के चलेंगे, और वो टॉपिक क्या था? स्ट्रेट लाइन था। आइए, स्ट्रेट लाइन हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेट लाइन का, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन, काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? सरल रेखा। मैं आपको बता दूं, इसको जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और जो भी हमारा पहले यही वीडियो देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, तो इससे पहले मैंने पॉइंट नामक चैप्टर पे 6 से 7 क्लास लिया है, उस 6 क्लास लिया है, उस 6 क्लास को आप काफी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर के पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद स्ट्रेट लाइन को पढ़िए, ठीक, तब ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, स्ट्रेट लाइन से पहले हमने पॉइंट में वो स्ट्रेट लाइन का बेसिक ही था, उस बेसिक चीज को हमने बता दिया है पहले ही। कई टीचर्स क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन के साथ ही उसको पढ़ाते हैं, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ही उसको पढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन से पहले ही इसका सारा बेसिक आपको बता दिया, चाहे वो डिस्टेंस फॉर्मूला हो, सेक्शन फॉर्मूला हो, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल हो, ये सारी चीजें हमने एक तरफ से सब कुछ डिस्कस किया है। आइए, सबसे पहले आपका देखते हैं यहाँ क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहले तो लाइन किसको कहते हैं, व्हाट इज लाइन? सर, एक बात याद रखिएगा, लाइन जो है वो एक क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप। लाइन दो तरह की होती है, या तो इस तरह से होती है या फिर इस तरह से होती है। ये दोनों लाइन है। तो लाइन क्या है, लाइन इज द ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज वनली लेंथ, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होता है, हाइट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक, थिकनेस नहीं होती है, ठीक, तो लेंथ होता है सिर्फ, ठीक। तो ये जो है आपका, ये क्या हो गया, लाइन। अब लाइन दो तरह, इस लाइन को, ये लाइन सीधी है, तो जो सीधी लाइन है उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, यही है आपका स्ट्रेट लाइन। और ये आपका क्या है, ये आपका कहलाता है कर्व्ड लाइन, ठीक, कर्व्ड लाइन, ठीक। कर्व्ड लाइन से आपका सर्किल बन जाता है, कर्व्ड लाइन से आपका पैराबोला बन जाता है, कर्व्ड लाइन से आपका हाइपरबोला बन जाता है ना, ये सारे इलिप्स बन जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लाइन कितने तरह का होता है, दो तरह का, कौन कौन, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। लाइन किसको कहते हैं, लाइन जो है वह एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके पास सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होती है, हाइट नहीं होती है। आ जाओ मेरे भाई, अब हम लोग देखते हैं कि सर, अगर कोई लाइन है, किसी लाइन को हमको खींचना है, तो उसके लिए मिनिमम कितना पॉइंट रिक्वायर्ड होता है, कितने पॉइंट, कम से कम कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है? सर, हम कहें एक पॉइंट की आवश्यकता होती है, क्या सर, एक लाइन खींचने के लिए? सर, इससे तो ये भी लाइन गया, सर ये भी लाइन चला गया, ये भी लाइन चला गया, तो सर कौन सा लाइन आप खींचे, ये आप नहीं कर सकते, ये आपका एक पॉइंट से सर कई लाइन खींचा जा सकता है, ठीक। एक पॉइंट से लाइन, अगर हम सिर्फ पॉइंट दे दे, तो सिर्फ एक पॉइंट से तो लाइन बन नहीं सकता है, सर सिर्फ एक पॉइंट से लाइन नहीं बन सकता, इस पॉइंट से लाइन क्रॉस कर रहा है, लेकिन आपको कोई पूछे क्या इस पूरे लाइन को बनाने में एक ही पॉइंट इन्वॉल्व है, नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट इन्वॉल्व है, ठीक। तो सर मिनिमम कितना लाइन, कितना पॉइंट चाहिए, किसी भी लाइन को फॉर्म करने के लिए, किसी भी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, उस दोनों पॉइंट को जोड़िए तो क्या बन जाता है, एक लाइन बन जाता है, एक लाइन बन जाता है, ये आपका लाइन हो गया, ठीक। तो ये सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि लाइन को फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होता है। लाइन
the formation of line needs 3 points, needs minimum 2 points, at least 2 points. कम से कम कितना point चाहिए? 2 points required होता है. तो आइए सर, इसके बाद आ जाता है सर इसका equation. इसका equation, सबसे पहले तो इक्वेशन कहते हैं कि इसको इक्वेशन पहले जानिए, इक्वेशन का इसको कहते हैं, बाद में हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखेंगे. इक्वेशन किसको कहते हैं सर? तो इक्वेशन और कुछ नहीं, इक्वेशन जो है सर आपका एक रिलेशन है. इक्वेशन क्या होता है? एक रिलेशन होता है किसके किसके बीच? वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के बीच. वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के बीच एक रिलेशन, कोई भी कर्व है जैसे ये आपका कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन लिखना है सर. इस कर्व का इक्वेशन, तो इस कर्व का इक्वेशन कह रहा है, इसका मतलब क्या सर? एक्स और वाई के बीच में एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसको कि इस पर स्थित कोई भी पॉइंट क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई कर दे. इस पर स्थित कोई भी पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई कर देता है तो वो इक्वेशन है. अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वो इस कर्व का इक्वेशन नहीं होगा. ठीक, तो इक्वेशन एक वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के बीच एक ऐसा रिलेशन होता है जो कर्व के ऊपर स्थित पॉइंट के द्वारा सेटिस्फाइड होता है. कर्व के ऊपर स्थित पॉइंट के द्वारा क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है. तो इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई विच विल बी सेटिस्फाइड, which will be satisfied only by the point of curve. Only, सिर्फ कर्व के पॉइंट के द्वारा ही सेटिस्फाइड होना चाहिए. समझ गए? कर्व के पॉइंट के द्वारा ही सेटिस्फाइड. आपका इक्वेशन जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू, तो इससे कोई कर्व बनेगा सर, उस कर्व पर जो पॉइंट होगा उसके द्वारा ये सेटिस्फाइड होगा, और जो पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो, इसका मतलब वो पॉइंट इस कर्व पर नहीं है. इक्वेशन इज द रिलेशन, हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन इज द रिलेशन, यहां लिख लेते हैं, यहां एक पॉइंट लिखेंगे, इक्वेशन इज द रिलेशन, इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई, एंड वेरिएबल वाई, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के बीच एक ऐसा रिलेशन है, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के बीच एक ऐसा रिलेशन है विच विल बी सेटिस्फाइड बाय पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इक्वेशन होता क्या है सर. इक्वेशन वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के बीच एक ऐसा रिलेशन होता है, एक ऐसा रिलेशन जैसे एक आपका कोई कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बराबर थ्री प्लस थ्री वाई स्क्वायर बराबर फाइव. इसका मतलब अगर इधर फाइव है तो इधर भी क्या होना चाहिए? फाइव. तब संतुष्ट हुआ. इसी को सेटिस्फाई कहते हैं, सेटिस्फाई करना. संतुष्ट होना मतलब क्या? जब हम उस पॉइंट को रखें तो एल एच एस बराबर क्या आना चाहिए? RHS, उसी को सेटिस्फेक्शन कहते हैं, उसी को सेटिस्फाइड कहते हैं. तो इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई विच विल बी सेटिस्फाइड बाय पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर जो पॉइंट स्थित है उसके द्वारा वो रिलेशन क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा. ठीक, अगर सेटिस्फाइड है तो वो पॉइंट उस कर्व पर है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पॉइंट उस कर्व पर नहीं है. तो ये आपका किसका डिफिनेशन था? इक्वेशन का डिफिनेशन था. आइए इक्वेशन के बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. ध्यान देंगे अब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में क्या होता है सर? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है वो लीनियर इन एक्स एंड वाई. इसके इक्वेशन में क्या होगा? लीनियर इन एक्स, लीनियर इन एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट. तो ध्यान देंगे सर, एक्स और वाई में क्या होता है? लीनियर. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है? एक्स और वाई में लीनियर होता है.
इसमें कौन कौन होगा, x होगा, y होगा और क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म। ध्यान देंगे स्ट्रेट लाइन का के इक्वेशन में x लीनियर में होगा, y भी किस में होगा, लीनियर में। क्वाड्रेटिक आ गया तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, और क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म। यही तीनों टर्म होना चाहिए। कौन कौन सा टर्म, फिर से ध्यान से देखो बाबू, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में या तो एक्स होगा, y होगा और कॉन्स्टेंट टर्म होगा, बस मैक्सिमम यही तीन टर्म हो सकता है। इस तीन में से कोई एक लापता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक भी एक्स्ट्रा आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे x प्लस थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, क्या ये लाइन का इक्वेशन है? यस सर, x का टर्म है, y का टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म। 2x प्लस वाई बराबर थ्री, यस सर, ये भी x का टर्म है, y का टर्म है, ये भी आपका लाइन का इक्वेशन हो गया। y बराबर माइनस टू एक्स, यस सर, इसमें भी y का टर्म है, x का टर्म। अगर इस तीनों में से कोई एक मिसिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत, x का टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, y का टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर कोई एक मिस कर गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, y बराबर जीरो दे दिया, ये भी लाइन का इक्वेशन है। x बराबर जीरो दे दिया सर, ये भी लाइन का इक्वेशन है। x प्लस वाई बराबर जीरो दे दिया, ये भी लाइन का इक्वेशन है। तो ये सारा इक्वेशन किसका है, लाइन का है। दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस फाइव बराबर जीरो, तो आ गया सर क्वाड्रेटिक आ गया, लीनियर नहीं ना है जी, क्वाड्रेटिक आ गया, एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, जबकि क्या होना चाहिए, सिर्फ एक्स का टर्म होना चाहिए, वाई का टर्म होना चाहिए और कॉन्स्टेंट टर्म। ये आपका लाइन का इक्वेशन नहीं, एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसमें सर ये लाइन का इक्वेशन है कि नहीं? नहीं सर, x का टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है, ये क्या आ गया, वाई स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा आ गया, फालतू का आ गया, इसको हटा दीजिए, ये आपका इक्वेशन लाइन का इक्वेशन नहीं है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। आइए पहले इसको नोट कर लीजिए, इक्वेशन का डेफिनेशन, इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड वेरिएबल y व्हिच विल बी सेटिस्फाइड, व्हिच विल बी ओनली सेटिस्फाइड बाय पॉइंट ऑन द कर्व। उस कर्व पर स्थित पॉइंट के द्वारा सिर्फ सेटिस्फाई होना चाहिए और किसी के द्वारा सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन का डिफिनेशन था। वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट करिए स्ट्रेट लाइन। और एक बात ध्यान रखिए, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में तीन टर्म होता है, लिनियर इन एक्स, लिनियर इन वाई और कॉन्स्टेंट टर्म। इसके अलावा अगर कोई फालतू का कोई टर्म आया तो फिर वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें मिसिंग भी एक टर्म मिस भी कर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। तो टर्म मिस कर सकता है लेकिन एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। आइए बच्चे अब आगे चलते हैं स्लोप ऑफ लाइन पर। लाइन का स्लोप ध्यान से देखेंगे, स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढाल। स्लोप क्या होता है सर, जैसे एक लाइन है आपका और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो इसका जो टेंजेंट होगा ना सर, इसका जो टेंजेंट होगा वही क्या कहलाता है, इसका स्लोप कहलाता है, उसको एम से इंडिकेट करते हैं, टेन थीटा। तो स्लोप क्या है सर, स्लोप जस्ट लाइक ए क्वांटिटी, जैसे सर्कल है, सर्कल जो होता है सर, सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर होता है। ये सेंटर जो है सर, ये सर्किल के ऊपर तो नहीं, ये सर्किल के अंदर कहीं पर है एक पॉइंट। ठीक, तो सर्किल से साफ अलग चीज है सर ये, तो उसी तरह से स्लोप भी है सर, स्लोप भी और कुछ नहीं, लाइन से थोड़ा अलग है। ठीक, लाइन पर नहीं स्थित होता है, ये लाइन के लिए एक क्वांटिटी होता है। ठीक, तो जिसका स्लोप, जिसको स्लोप कहते हैं, इस स्लोप का डिफिनेशन क्या होता है, तो लाइन जो है सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये आपका कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो लाइन जो है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, अगर हम यहां खींच लें वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, तो आपका लाइन जो है सर, लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो कोण बना रहा है ना, थीटा कोण बना रहा है यहां, जो कोण बना रहा है उसी के टेंजेंट को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं ना, उसी के टेंजेंट को क्या कहेंगे, स्लोप। m इज इक्वल टू टेन थीटा,
एम इज इक्वल टू टेन थीटा। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट घबराएंगे नहीं, इंग्लिश बहुत बड़ी चीज नहीं है, इंग्लिश बहुत छोटी चीज है, आप सिर्फ बर्दाश्त करते जाइएगा। हम जो भी आपको इंग्लिश बताते हैं उसका हिंदी जरूर बोलते हैं, इसलिए लिख लिया कीजिए। एम बराबर कितना सर? टेन थीटा। घबराना नहीं है, सब लोगों को समझ में आएगा, सब लोगों के लिए ही। एम बराबर टेन थीटा। एम बराबर क्या है सर? टेन थीटा। तो स्ट्रेट लाइन के स्लोप का डिफिनेशन क्या होता है? टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, जो एंगल बनाता है उसी के टेंजेंट को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। उसी के टेंजेंट को क्या कहते हैं? स्लोप। आइए जैसे सर आपका हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक लाइन है सर, वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जरा बोलो एम कितना हो जाएगा? टेन 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? वन। एक लाइन है सर, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एम बराबर कितना लिखेंगे? टेन 60 डिग्री, ये बराबर कितना हो गया? रूट। चलिए एक लाइन है सर जो कि 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एम बराबर कितना? टेन ऑफ 135। टेन ऑफ 135 कितना होता है? माइनस वन। यही सब है और कुछ नहीं। एक लाइन है सर, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो 0 डिग्री, तो एम बराबर कितना? टेन 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल सर ये पाई बाई टू, ये कितना? पाई बाई टू। एम बराबर कितना? टेन पाई बाई टू हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। ये किस लाइन के, किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल। तो नोट में हम लोग लिख लेंगे, नोट में हम फर्स्ट नोट क्या लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। और सेकेंड नोट में क्या लिख लेंगे? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस इनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी जिसको कहते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? 0 होता है। और वाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। क्यों होता है सर? क्योंकि ये जो देखिए ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है? पाई बाई टू एंगल बना रहा है, तो टेन पाई बाई टू का मान तो इनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है। इसलिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 0। तो स्लोप का डिफिनेशन क्या हो गया? स्लोप का डिफिनेशन लिख लेते हैं, यहाँ स्लोप का डिफिनेशन लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इज टेंजेंट ऑफ एंगल, इज टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन, मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया जाता है सर लाइन के द्वारा, वही एंगल जो है सर, वही उसी का टेंजेंट, उसी एंगल का टेंजेंट जो है वो क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। तो ये सब बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे सर एक लाइन दे दिया, और ये एंगल दे दिया, ये एंगल आपको दे दिया 45 डिग्री, तो आपको पूछ रहा है स्लोप कितना होगा। तो सर ये ऊपर वाला एंगल देखना है सर, ये जैसे आपका 135 डिग्री है, ये 45 तो ये 135, एम बराबर क्या हो जाएगा? टेन ऑफ 135, ये आपका कितना आ गया? माइनस। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको जो भी आपका स्लोप का डिफिनेशन है उधर नोट से, इस सारे को आप लोग नोट कर लीजिए। आइए बच्चे अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। आइए बच्चे देखते हैं, लाइन
आपका ये देखिए प्रॉब्लम है, थीटा कितना दिया 30 डिग्री, कहता है इसका स्लोप निकालिए तो m बराबर कितना लिखेंगे, tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। फिर इसके लिए सर स्लोप अगर लाइन कहता है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो स्लोप कितना हो जाएगा, m बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है सर √3। फिर सर ये है 120 डिग्री, m बराबर tan 120 डिग्री, तो इसको लिखेंगे tan 90 plus theta क्या होता है cot theta, cot 30 का मान होता है √3। माइनस tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, तो माइनस √3 हो जाएगा। ये सारा स्लोप निकालना आसान है, m अगर √3 है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा सर, m अगर √3 तो m मींस क्या सर tan थीटा वाला कितना दिया हुआ है √3, tan थीटा वाला √3, तो सर ये tan 60 का वैल्यू है, थीटा वाला कितना गया पाई बाय m बराबर कितना -1, m बराबर -1 है सर tan थीटा बराबर कितना -1, इसको tan 135 डिग्री लिखेंगे या फिर tan 3 पाई बाय 4 लिखेंगे, थीटा बराबर कितना गया सर 135 डिग्री, हम लोग 3 पाई बाय 4 बोलते हैं। ये सब बड़ा सिंपल सिंपल सवाल बनता है इस पर, तो इसको ध्यान से देखेंगे। आ जाओ बच्चों, अब देखो स्लोप अगर ऐसा दिया रहे, आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है ना जी। अब एक लाइन है, इस पर दो पॉइंट दिया हुआ है, एक है x1, y1 और एक है x2, y1 दिया हुआ है। अब सर इसका स्लोप निकालने के लिए कह दिया, एंगल तो दिया नहीं है, क्या करोगे, अभी तो सर एंगल दिया रहता था tan थीटा आराम से निकाल देते थे। अब देखो क्या करेंगे, मान लेते हैं ये इसके बीच का कोण कितना है थीटा। अब एक बात बताओ, यहां से अगर ये लाइन खींच दें, ये लाइन खींच दें, बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा x2 के बराबर, और ये डिस्टेंस कितना होगा y2 के बराबर। यहां से इस पर लंब डाल दीजिए, परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ये कौन कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा सर थीटा हो जाएगा। दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, ये आपका थीटा हो गया सर। अब जरा बताओ सर, इस ट्रायंगल में आ जाइए, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा, ये वाला ये छोटा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल, ये tan थीटा सर, ये आपका x2 है और ये आपका क्या है यहां से यहां तक x1 है, ये वाला कितना हो जाएगा, ये बड़े वाले में x2 में x1 घट जाएगा, ये आपका x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा सर, ये बड़े वाले y2 में क्या घट जाएगा, y1 घट जाएगा, y2 माइनस y1। चलिए सर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यही तो m होता है सर स्लोप, m बराबर हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x1। देखना ये है कि अगर ऊपर पे पहले y कोऑर्डिनेट लिए हैं, पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिए हैं, तो नीचे में पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लीजिए, ठीक। अगर दूसरे पॉइंट का, अगर पहले पॉइंट का y दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिए हैं, नीचे भी दूसरे पॉइंट का ही x कोऑर्डिनेट लेना है। m बराबर लिखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखिए, या फिर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम चीज है। आई इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक लाइन है 2, 3, 1, 4 से पास कर रही, तो जरा बताइए इसका स्लोप क्या हो जाएगा। तो सर y2 माइनस y1 4 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 2, ये कितना आ गया, 4 में 3 गया 1, 1 में 2 गया माइनस 1, और कितना आ जाएगा माइनस 1। एक लाइन है ये 0, 3 और 3, 0 से पास कर रही, तो जरा बताइए इसका स्लोप क्या हो जाएगा सर, y2 माइनस y1 0 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 0, ये आपका माइनस 3 अपॉन 3, 3 कैंसिल होगा कितना आ गया माइनस 1 आ गया। बड़ा सिंपल है स्लोप निकालने का तरीका,
एम बराबर कितना आ गया माइनस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। स्लोप का डेरिवेशन आपका है। आइए दोस्त अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। 1278 है ना, इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप निकालना है, क्या करोगे? y2 टू माइनस वाई वन, एट माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सेवन माइनस वन। आठ में दो गया छह, सेवन में एक गया छह, छह कैंसिल हुए, m कितना आ गया सर? वन। अच्छा बताओ तो m बराबर वन आ गया सर, तो थीटा कितना? ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा बताओ तो सर tan थीटा बराबर कितना आ गया? वन आ गया आपका, तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? वन होता है। तो थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री आ गया आपका। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं सर। ये आपका क्वेश्चन नंबर एक है, ये दो है, ये तीन है, चार है, पांच है, छह। इसका स्लोप निकालना है सर। वाई टू माइनस वाई वन माइनस टेन अपॉन माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वन प्लस कितना हो जाएगा? थ्री। माइनस दस माइनस दो कितना? माइनस बारह। एक प्लस तीन कितना होता है? चार। ये कट जाएगा सर माइनस थ्री टाइम्स में। आ जाओ एम एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, तो फाइव माइनस फाइव अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सेवन माइनस टू। ये आपका फाइव माइनस फाइव कितना हो गया? जीरो। सेवन में टू चला गया, सेवन में टू चला गया फाइव, तो जीरो में फाइव से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। ये आपका कितना आ गया? एम आ गया जीरो। तो सर एम जीरो किसका होता है? अभी हम लिखा है, एक नोट्स लिखा है ऊपर पे, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। यानी ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन आपका एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। ये लाइन क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन आपका एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल। आइए इसका स्लोप निकालिए। एम बराबर क्या? वाई टू माइनस वाई वन, टू माइनस फाइव अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वन माइनस वन, माइनस थ्री बटे जीरो कितना हो गया? जीरो आ गया। आ जाओ अब इसका स्लोप, यहां स्लोप निकालो तो एम बराबर क्या सर? वाई टू माइनस वाई वन, थ्री टी टू माइनस टी वन कॉमन आ जाएगा थ्री, नीचे देखो टू टी टू स्क्वायर, टू घटाओ टू टी वन स्क्वायर, तो टू कॉमन आ जाएगा, टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर आ जाएगा। चलो अब क्या करोगे भाई? थ्री इंटू टी टू माइनस टी वन, यहाँ टू इंटू टी टू प्लस टी वन इंटू टी टू माइनस टी वन, क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका टी टू माइनस टी वन कैंसिल हो जाएगा इससे, यहाँ आ गया आपका थ्री अपॉन टू इंटू टी टू प्लस टी वन आ गया, सिंपल। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसका स्लोप निकालना है। वाई टू माइनस वाई वन, ए टी माइनस ए बाई टी, ए बाई टी माइनस ए टी माइनस ए टी। चलो एम बराबर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ एलसीएम आ जाएगा टी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए टी स्क्वायर माइनस ए, नीचे एलसीएम आ जाएगा टी, ए माइनस ए टी स्क्वायर, टी टी तो कैंसिल हो जाए। ये आपका कितना आ गया? एम बराबर ए कॉमन आएगा क्या? ऊपर टी स्क्वायर माइनस वन, नीचे से माइनस ए कॉमन ले लो, ये आपका क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस वन। ये और ये आपका कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, माइनस वन आ गया, एम कितना आ गया? माइनस वन। थीटा कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। निकाल करके देख सकते हैं थीटा बराबर 135 डिग्री। तो ये आपका एग्जांपल था स्लोप ऑफ लाइन पे। अब आ जाओ मेरे भाई कुछ प्रॉब्लम और लेते हैं। इसका स्लोप निकालना है, निकालो तो y2 टू माइनस वाई वन माइनस फाइव माइनस थ्री अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सेवन माइनस टू, कितना आया? माइनस एट बाय फाइव। फिर इसका स्लोप निकालो तो y2 टू माइनस वाई वन, टू माइनस सेवन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वन माइनस थ्री, ये कितना आ जाएगा? माइनस फाइव अपॉन माइनस टू, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका फाइव अपॉन टू आ गया। तो ये आपका स्लोप हो गया सर। अब एक बात और सर, जब आपका लाइन है सर इसके साथ, या तो ऐसे बनेगा लाइन, या फिर ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे हो जाएगा, तो थीटा जो होगा हमेशा वो क्या होगा? जीरो से हमेशा 180 के बीच में रहेगा ना, इसी के बीच में रहेगा सर। अब एक बात जानते हैं सर,
जीरो से 90 डिग्री तक के लिए टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। जीरो से 90 डिग्री थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, सॉरी टेन थीटा पॉजिटिव। लेकिन 90 से 180 में जाएंगे तो टेन थीटा क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप जहां कहीं दिखे, नेगेटिव स्लोप मींस थीटा इज, नेगेटिव स्लोप मींस थीटा जो है क्या? ऑब्ट्यूस। थीटा क्या है? ऑब्ट्यूस। और पॉजिटिव स्लोप कहीं है, पॉजिटिव स्लोप कहीं है, पॉजिटिव स्लोप मींस थीटा इज एक्यूट। अगर सर लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो वो थीटा जो एंगल बना रहा है वो एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूस। और अगर सर लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल क्या होगा? एक्यूट। ये बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है। लाइन का स्लोप नेगेटिव तो एंगल ऑब्ट्यूस, लाइन का स्लोप पॉजिटिव तो एंगल क्या? एक्यूट। ये बड़ा सिंपल चीज था, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलो दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आता है इंटरसेप्ट किसको कहते हैं? इंटरसेप्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। ध्यान से देखेंगे, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है सर? एक्स इंटरसेप्ट जो होता है सर, ये आपका जैसे कोई लाइन है सर, वो एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है? मान लीजिए 0.5 पर, सॉरी 5.0 पर काट रहा है, तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना जी, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन के साथ, तो उस लाइन का, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या हो जाएगा? इसका एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। वही इसका क्या हो जाएगा? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट आपका कितना हो गया? 5। ठीक, तो इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो एक्स इंटरसेप्ट किसको कहेंगे सर? तो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है लाइन का, वही उसी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स इंटरसेप्ट। ठीक, तो एक्स इंटरसेप्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इंटरसेप्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस। लाइन एक्स एक्सिस के साथ जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा सर? एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। एक्स इंटरसेप्ट और कुछ नहीं सर, इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस। ये लाइन जो है आपका वो एक्स एक्सिस के साथ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना सर, वही क्या कहलाएगा? एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। जैसे सर कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस को काट रहा है कहां? -3.0 पर। तो यहां एक्स इंटरसेप्ट इसका क्या हो गया? एक्स इंटरसेप्ट इस लाइन का हो गया। एक लाइन है सर, ये आपको एक्स एक्सिस को काट रहा है -3.0 पर, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? -3। एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? -3। तो बड़ा सिंपल है ये सारा चीज समझना, इंटरसेप्ट को समझना। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा सर? ठीक उसी तरह से, इट इज द वाई कोऑर्डिनेट। ये जो होगा सर वाई कोऑर्डिनेट होगा। वैसे सर जैसे ये आपका लाइन है, यहां 5.0 पर कट कर रहा है, और ये अगर इसको 0.4 पर कट कर रहा है, तो ये आपका इसका एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स इंटरसेप्ट। और वाई एक्सिस को जहां कट कर रहा है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है ये, तो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो वाई इंटरसेप्ट इसका कितना हो गया? वाई इंटरसेप्ट हो गया 4। वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया? 4 हो गया। तो चलिए तो ध्यान देंगे, तो वाई इंटरसेप्ट क्या है? इट इज द वाई कोऑर्डिनेट
इट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ वाई एक्सिस, लाइन विथ वाई एक्सिस, विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ लाइन जहां पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या है सर, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एक्स एक्सिस के साथ, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। और वो लाइन वाई एक्सिस के साथ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। तो बड़ा सिंपल है, इसको आराम से नोट कर लीजिए। इस पे जो एग्जांपल है, आइए थोड़ा सा और इसमें देखते हैं, ये आपका, ये आपका, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और आपको पूछे कि इंटरसेप्ट, जरा बताओ तो इंटरसेप्ट कितना हो, सर एक्स इंटरसेप्ट पूछ रहा है ना सर, कौन सा इंटरसेप्ट पूछ रहा है, एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट ये कहीं काटेगा सर, एक्सिस को नहीं काटेगा सर, कहीं नहीं काटेगा, हम कह नहीं सकते सर, सर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट इन्फिनिटी। वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये जहाँ काट रहा होगा 0.2 पर काट रहा है, इसका वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, 2 हो गया, वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, बड़ा सिंपल है, वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, और इसका वाई इंटरसेप्ट पूछे तो वाई इंटरसेप्ट इसका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि सर ये कहीं काट ही नहीं रहा, इसलिए। तो इंटरसेप्ट समझना बहुत ही आसान काम है, एक्स इंटरसेप्ट किसको कहेंगे, इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, और वाई इंटरसेप्ट क्या है, इट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद वाई एक्सिस। आराम से इसको नोट कर लीजिए। चलो मेरे भाई, अब आगे भी प्रॉब्लम है आपका, ये इंटरसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए। x इंटरसेप्ट लिखना है, y इंटरसेप्ट लिखना है, x इंटरसेप्ट कितना हो गया, a, ये लाइन x एक्सिस को a जीरो पर इंटरसेक्ट करती है, इसका x कोऑर्डिनेट a है इसलिए x इंटरसेप्ट क्या हो गया, a, y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 0, b पर, इसलिए इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया, b, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक, इसका जरा बोलो तो x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बोलो तो, -1 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा सर, y इंटरसेप्ट इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए यहां भी देखिए, x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, x इंटरसेप्ट कितना सर, 8, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, y इंटरसेप्ट कितना, 7। चलिए इसका जरा बोलो तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, x इंटरसेप्ट सर -2, y इंटरसेप्ट कितना, y इंटरसेप्ट बोलो कितना हो जाएगा, बोलो -2 हो जाएगा सर, आ जाओ फिर यहां सर, यहां इसका x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि x एक्सिस को 7-0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिसका x कोऑर्डिनेट 7 है इसलिए x इंटरसेप्ट 7 हो गया, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, y इंटरसेप्ट तो सर इसको y एक्सिस को कहां कट कर रही है, 0, -7, इसलिए y इंटरसेप्ट इसका कितना हो जाएगा, -7। चलिए यहां आ जाइए, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट कितना सर, 0, y इंटरसेप्ट भी कितना, 0, y इंटरसेप्ट भी कितना हो गया, 0, क्योंकि यह 0-0 पर, x एक्सिस को भी 0-0 पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस को भी 0-0 पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी कितना है, 0, इसलिए x इंटरसेप्ट भी 0 हो गया, यानी जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही होती है सर उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों क्या होता है, 0 होता है। अब इसमें एक चीज और आता है सर, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, अगर आपको x इंटरसेप्ट ना पूछ करके लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट पूछ दे, क्या पूछ दे, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, तो क्या करोगे सर, इस a का मॉड ले लोगे, मॉड a, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट पूछे, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट तो क्या हो जाएगा बोलो, मॉड b हो जाएगा, बस लेंथ निकालेंगे, ये करते हैं जरा बोलो तो, यहां अगर लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट कहें कितना हो जाएगा बोलो तो,
मॉड ऑफ माइनस वन बराबर कितना वन, हाँ एक्स इंटरसेप्ट माइनस वन, लेकिन लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कितना वन, ठीक यहाँ लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट पूछे, वाई इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया मॉड ऑफ टू बराबर कितना टू ही रहेगा। आइए इस तरह से इसका लेंथ कितना हो जाएगा एट, इसका भी लेंथ सेवन, लेंथ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट प्लस टू, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट प्लस टू, फिर सर लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट प्लस सेवन, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट प्लस सेवन, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट जीरो, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट भी क्या जीरो। बड़ा सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही रहेगा। आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला बात पढ़ा कि टू पॉइंट आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइन, किसी भी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए ना, दो पॉइंट रिक्वायर्ड होता है मिनिमम, कम से कम कितना पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट एक लाइन को फॉर्म करने के लिए। दूसरी बात हम पढ़े इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है सर, इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई, इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई विच विल बी सेटिस्फाइड ओनली द पॉइंट ऑफ कर्व, ओनली द पॉइंट ऑफ कर्व, जो सिर्फ कर्व के पॉइंट के द्वारा क्या होगा सेटिस्फाइड होगा। अगर कर्व पर अगर कोई पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसका मतलब वो पॉइंट उस कर्व पर स्थित नहीं है। आइए उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में तीन मिनिमम तीन टर्म मैक्सिमम तीन टर्म होता है, लिनियर इन एक्स, लिनियर इन वाई और कांस्टेंट टर्म, ठीक। इस तीनों के अलावा अगर कोई फालतू टर्म आ गया तो फिर वो लाइन का इक्वेशन नहीं होगा। अगर इस तीनों में से कोई मिस कर गया तो कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है, कोई एक अगर मिस कर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दो भी मिस कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए कोई दो नहीं, अगर कांस्टेंट टर्म मिस किया कोई एक मिस कर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको आराम से लाइन का इक्वेशन कर सकते हैं। अगला हमने पढ़ा स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है सर, स्लोप ऑफ लाइन किसको कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसके टेंजेंट को, उसी के टेंजेंट को आप क्या कहेंगे बोलिए, स्लोप कहेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है सर, इंटरसेप्ट दो तरह का होता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट किसको कहते हैं सर, इंटरसेप्ट सबसे पहले तो होता क्या है, इंटरसेप्ट जो होता है सर जो कट करता है जहां ओरिजिन से लेकर के जहां कट करता है, तो एक्स इंटरसेप्ट किसको कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस, यानी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसी को आप क्या कहेंगे, उसी को आप क्या कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट, और लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। तो आज के क्लास में हमने यही सब चीज इतना सही चीज सीखा था। एक चीज और हम जान लेते हैं, एक होता है इंक्लिनेशन, कई बार लोग इंक्लिनेशन और स्लोप में कोई अंतर नहीं समझते, कोई डिफरेंट नहीं समझते, जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज, स्लोप क्या होता है वो टेंजेंट होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है, जैसे आपको कोई लाइन दे दिया और बोल दिया ये कौन 45 डिग्री, आपको कोई पूछे इसका इंक्लिनेशन क्या है तो 45 डिग्री बोल दीजिए आराम से, एक्यूट एंगल ये लाइन दे दी ये है 60 डिग्री, इसका इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री, इसका इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल जो होता है वही इंक्लिनेशन होता है, ठीक, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल इंक्लिनेशन नहीं होगा, हमेशा एक्यूट एंगल जो होता है वो क्या होता है इंक्लिनेशन होता है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर कोई लाइन जो है सर, अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो, यानी इसके साथ ही 45 डिग्री इसके साथ ही 45 डिग्री इक्वली इंक्लाइंड हो तो उसका स्लोप जो होता है एम बराबर प्लस माइनस वन होता है, ये लाइन ऐसा हो सकता है या फिर ये लाइन ऐसा हो, इक्वली इंक्लाइंड हो गया यानी इसके साथ ही 45 डिग्री बना रहा है सर, इसके साथ ही कितना बना रहा है 45 डिग्री, अगर ऐसा लाइन होगा तो एम बराबर प्लस वन, अगर ऐसा लाइन बन रहा है तो एम बराबर कितना माइनस वन, ठीक। तो अगर इक्वली इंक्लाइंड हो तो उसका स्लोप या तो प्लस वन होगा या फिर माइनस वन होगा, ठीक। तो बात समझ में आ रही है,
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, तो इसको समझ गए। तो आज के क्लास में इतना ही, फिलहाल आप लोग को यही कहेंगे कि आप पॉइंट वाले चैप्टर को रिवाइज कीजिए पहले, उस पॉइंट को रिवाइज करके उसके बाद सर स्ट्रेट लाइन को पढ़िए, मजा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन पढ़ने में, बहुत ही शानदार चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, ठीक। इसलिए उसको रिवाइज करते रहिए, और आज हमने जो भी पढ़ाया उसको फिर से आप अपने कॉपी में जाकर के जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कॉपी में लिखते, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए तो आप आगे में कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए, सिर्फ मोबाइल लेकर के बैठने से कोई फायदा नहीं, उस समय तक लगेगा कि हमको समझ में आ गया, लेकिन अगले घंटे ही आप भूल जाएंगे, आपको कहीं कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप बैठते हैं तो कॉपी और कलम लेकर के ही बैठे, ठीक। और अगर आपको हमारा ये टीचिंग स्टाइल पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हमारे तरफ से हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिलहाल फिर हम लोग कल मिलेंगे। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो।